नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वाह जिंदगी की इस अद्भुत प्रस्तुति मंदिर दर्शन में स्वागत करती हूँ। आज का ये मंदिर दर्शन कार्यक्रम खास है। खंडेलवाल जैन एक क्षेत्र से निकले हैं, खंडेला, और जब हमारी वह जिंदगी की टीम वह क्षेत्र में पहुंची, हमें बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि वह पूरा क्षेत्र जहां पे एक इकलौता जैन मंदिर है आज दयनीय स्थिति में है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम खंडेला जैन मंदिर के दर्शन करेंगे और उसके साथ ही साथ और जैन मंदिरों के भी दर्शन करेंगे। राजस्थान खंडेला के जैन मंदिर के अलावा जिन क्षेत्रों के मंदिरों के दर्शन आज आप करेंगे उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: कचौड़ा बाजार मंदिर आगरा, लोहागढ़ मंदिर मुरादाबाद, शमोशरण मंदिर इंदौर। मंदिर दर्शन कार्यक्रम के द्वारा वह जिंदगी ने आपको करीब 400 जैन मंदिरों के दर्शन करा दिए हैं, पर आज जिस क्षेत्र के जिस मंदिर के दर्शन आपको हम कराने जा रहे हैं उसमें दो भावनाएं निहित है। पहली तो ये कि बड़े गर्व की बात है, खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज का ये उद्गम स्थल है जहाँ खंडेलवाल जैनियों के पूर्वजों ने जन्म लिया और आज सारी दुनिया में उनके वंश फैल चुके हैं, जो न कि सफल हैं बल्कि देश के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दूसरी भावना काफी पीड़ादायक है कि जिस क्षेत्र से इस गौरवशाली वंश का उदय हुआ उस क्षेत्र में मात्र एक ही जैन परिवार है और ये क्षेत्र आज उपेक्षित पड़ा है, और वो जगह है राजस्थान का खंडेला। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं ललित सरावगी जैन मंदिर दर्शन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं उस पवित्र मिट्टी पे खड़ा हूं जिस मिट्टी से मेरे आपके पूर्वजों ने जन्म लिया और आज वो पूरे देश में फैल गए हैं, और वो जगह है खंडेला। बताया जाता है कि इस क्षेत्र में करीब 900 जैन मंदिर थे, पर औरंगजेब काल में मात्र एक मंदिर को छोड़कर सारे नष्ट कर दिए गए थे, और वर्तमान में जो मंदिर मौजूद है वो आज अपने को भव्य रूप पाने के लिए तरस रहा है। सैकड़ों साल पहले इस इलाके में 84 सामंत हुआ करते थे, जिनसे ही खंडेलवाल जैन समाज के 84 गोत्रों की उत्पत्ति हुई, और आज ये गोत्र दुनिया के हर कोने में फैलकर जहां अलग अलग क्षेत्रों में भव्य मंदिर या धार्मिक स्थल बना रहे हैं, वहीं अपने पूर्वजों की जन्म स्थली को भूल गए हैं। मंदिर के पहले तल पर भगवान पार्श्वनाथ की करीब 11.25 फीट ऊंची खड़गासन प्रतिमा स्थापित है। मूल नायक प्रतिमा के एक तरफ भगवान महावीर एवं दूसरी तरफ भगवान चंद्र प्रभु की प्रतिमा भी स्थापित है, पर मंदिर के दीवारों को देखकर मन में बहुत पीड़ा हुई। जहां देश के विभिन्न क्षेत्रों में एक तरफ भव्य मंदिर करोड़ों की लागत से बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने उद्गम स्थल के मंदिर की ये हालत। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर भी एक वेदी का निर्माण किया गया है जहां पर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा विराजित है, साथ ही साथ माता पद्मावती की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। गंगा जी जहां से निकली
गंगोत्री वो जगह पूजनीय होती है। हमारा दिगंबर जैन समाज भी इसी खंडेला से निकला, भव्य मंदिर बनते जा रहे हैं हमारे देश में। मंदिरों में अनेक कलाकृतियां कारीगरी की जा रही है, पर इस उद्गम स्थल के मंदिर को देखकर वाकई मन में पीड़ा हो रही है कि ये तो एक ऐसा तीर्थ स्थल बन जाना चाहिए था जिसे हम अपने धरोहर मान के रखें। इस ऐतिहासिक और प्राचीन धरोहर के रूप में स्थित इस मंदिर से मात्र एक ही परिवार जुड़ा हुआ है। क्या इन प्रतिमाओं के अभिषेक या कलश या प्रक्षाल होते हैं? प्रतिमा के हमेशा प्रक्षाल होता है, अभिषेक होता है, और पूजा वगैरह जो ये रविवार और अष्टमी और चौदस के दिन पूजा होती है। टेलीविजन के माध्यम से शांति धारा की राशियां भेजते हैं, न जाने कितनी डाक लेते हैं, कितनी राशियों को भेजा जाता है, और अपने उद्गम स्थल में मात्र एक व्यक्ति प्रतिमा का कलश और अभिषेक करता है। आप मेरी पीड़ा से शायद रूबरू हो रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ आकर मेरा मन इन सब बातों को सुनकर बहुत व्यतीत हो रहा है। खंडेला में करीब 3 साल पहले भूगर्भ से एक प्राचीन प्रतिमा भी प्राप्त हुई है, जिसे पुरातत्व विभाग ने करीब 1800 वर्ष प्राचीन बताया है, जो करोड़ों की होगी। पर देश में फैले समाज की बेरुखी के कारण वो प्रतिमा मंदिर परिसर पर ऐसे ही रखी हुई है। मंदिर प्रांगण में एक रथ भी है, इसके साथ ही साथ कई भगवानों एवं आचार्यों की भव्य प्रतिमा भी निर्मित होकर ऐसे ही पड़ी है, जिन्हें स्थापित करना अभी बाकी है। इस खंडेला से निकले हुए खंडेलवाल समाज आज खंडेला से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी पर बस गए हैं, संपन्न हो गए हैं। वो इस ओर क्यों नहीं, इसके विकास के लिए, इसको धरोहर बनाने के लिए क्यों नहीं उनका मन हो रहा है? आज से करीबन 25 वर्ष पहले सभी खंडेलवाल समाज में जो भी शादियाँ होती थी या कोई किसी का निधन होता था तो उसमें यहाँ की एक लाग लगती थी जो सब निकालते थे, लेकिन धीरे धीरे जब से नई पीढ़ी आनी चालू हुई है वो भी बंद हो गई। अभी हमने करीबन 4 वर्ष पहले यहाँ से करीबन 4 किलोमीटर दूर 23 बीघा ज़मीन अलग से खरीद की है इस मंदिर के लिए। आज करोड़ों की भूमि है वो, उसमें हमारा विचार अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, वृत्ति आश्रम, विवाह स्थल, सभी हमारी योजनाएं हैं, वो भी विचाराधीन है। उसके लिए हमने जगह तो खरीद ली है, लेकिन अभी तक लोगों का उससे जुड़ाव नहीं हुआ है, कुछ लोगों ने उसमें सहयोग दिया है। तो यहाँ के जो खर्चे होते हैं, इतना बड़ा मंदिर है, इसका देख रेख, इसकी व्यवस्था फिर कैसे होती है? अभी यहाँ लगभग 30,000 रुपये महीने का खर्चा है। पिछले कई सालों से यहाँ पर खर्चे की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, हालांकि खर्चा आज तक पूरा लग रहा है, साफ सफाई वगैरह सब काम हो रहा है, सब पार्श्वनाथ भगवान की कृपा से चल रहा है काम, अभी कोई रुकावट नहीं है, लेकिन फंड काफ़ी कम है। अभी यहाँ पर लगभग 20 लाख रुपया माइनस में चल रहा है। अगर प्रत्येक जैन समाज का आदमी अगर अपने जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर, और जब भी घर में शादी होती है उसके लिए अगर यहाँ कुछ 500, 1100, 2100 भी देना वो चालू करता है तो यहाँ पे बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है। हमारी भावना है कि चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम आजन्म यहाँ की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। आज मेरा मन व्यथित है, मैं पीड़ित हूँ, दुखी हूँ। दुखी इस बात से हूँ, व्यथित इस बात से हूँ कि हमारे पूर्वजों ने 1200-1500 साल पहले जिस मिट्टी पे जन्म लिया वो आज बदहाल स्थिति में है। हमें सचेत हो जाना चाहिए, हमें आज ही इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए, वरना आगे आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। खंडेला के एकमात्र जैन मंदिर की व्यवस्था सिकर समाज और एक कमेटी के द्वारा की जाती है, जिस कारण आज ये मंदिर सुरक्षित है।
इसके लिए सिकर समाज धन्यवाद की पात्र है। पर देश के पूरे खंडेलवाल समाज को इसे एक भव्य रूप देना चाहिए। मंदिर की व्यवस्था को देखने में अपनी मुख्य भूमिका निभाने वाले सिकर के श्री महेश जी जैन ने वह जिंदगी की टीम का आभार भी व्यक्त किया। वह जिंदगी के श्री ललित जी यहाँ पर अपने उद्गम स्थल पर आए, हमें बहुत खुशी हुई कि यहाँ आकर उन्होंने इसको संभाला, अपनी पीड़ा व्यक्त की और हमारी पीड़ा को समझा और आप सबके सामने हमारी पीड़ा को रख रहे हैं। कृपया आप सभी से निवेदन है कि यहाँ का कार्यभार संभालें और यहाँ का उत्थान करने में सहयोग करें। वह जिंदगी के चेयरमैन श्री ललित जी सरावगी ने पूर्वजों की उद्गम स्थली खंडेला के विकास के लिए समाज से आह्वान किया। मैं भी खंडेलवाल जैन हूँ। आज हमारे खंडेलवाल बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े व्यवसायी जो देश के कोने कोने में भव्य मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, काश उन तक मेरी आवाज पहुंचे और इस मंदिर को जीर्णोद्धार कर, इस मंदिर को एक भव्य रूप देकर, इस मंदिर को एक धरोहर बनाकर इसकी कायाकल्प कर दे। अपने उद्गम स्थल पहुंचकर वह जिंदगी की टीम को जितना गर्व महसूस हुआ वही कई ज्यादा पीड़ा भी हुई। ये पीड़ा केवल हमारी नहीं बल्कि पूरे समाज की होनी चाहिए। वह जिंदगी उम्मीद करता है कि इस फिल्म के द्वारा अपने पूर्वजों के उद्गम स्थल को जहां आपने देखा वहीं आप इस इलाके में आएंगे और इस क्षेत्र को विकसित कर, मंदिर को भव्य रूप देकर, म्यूजियम स्थापित कर अपने पूर्वजों की धरोहर को संभालेंगे, जिससे हम सब की जिंदगी बन जाएगी वह जिंदगी। जहाँ एक तरफ जैन समाज कई नए मंदिरों का निर्माण कर रहा है, नए मंदिरों के निर्माण के साथ साथ अगर हम हमारे पुराने मंदिरों को भी संजो के रखे, संभाल के रखे, उस पर भी ध्यान दे, तो शायद सही मायनों में हम बोलेंगे कि हमारी जिंदगी बन जाएगी वह जिंदगी। अब वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। हमारे देश भारत के विकास में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। जैन प्रतिभाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। वह जिंदगी ने जैन रत्न के नाम से 10 एपिसोड्स की एक श्रृंखला पिछले साल पारस टीवी पर प्रसारित की थी, जिसमें ऐसे 40 जैन प्रतिभाओं से आपको परिचित कराया गया था जिन्होंने अपनी प्रतिभा से न केवल अपनी जिंदगी को वह जिंदगी बनाई बल्कि समाज के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सैकड़ों की जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न सीजन 1 और 2 की शूटिंग के लिए अभी तक हमारी 8 सदस्य टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग द्वारा करीब 1,00,000 किलोमीटर की यात्रा की। हमारी टीम देश के कोने कोने में गई। अब जैन रत्न सीजन 2 की शूटिंग देश के कई शहरों में पुनः जोर शोर से प्रारंभ हो चुकी है। जैन रत्न सीजन 2 में शामिल हो रहे हैं देश के विभिन्न क्षेत्रों के कई जैन रत्न। आइए मिलते हैं इन जैन रत्नों से। दलवीर भंडारी दिल्ली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विश्व अदालत के मात्र 15 जजों में से एक भारतीय जज। सुदीप जैन IAS दिल्ली भारतीय लोकतंत्र में मुख्य भूमिका निभाने वाले चुनाव आयोग के ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर। विजय डर्डा मुंबई चेयरमैन लोकमत समाचार पत्र ग्रुप, मराठी भाषा में करीब 3 करोड़ लोगों द्वारा पढ़े जाने वाला अखबार। सुभाष रुनवाल मुंबई भारत की प्रसिद्ध रियल एस्टेट कंपनी रुनवाल ग्रुप के चेयरमैन और जीतो संस्था के भीष्म पितामह भी। अमिताभ जैन IAS चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़, प्रदेश के साथ ही साथ समाज के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। किशोर खाब्या और डॉक्टर उषा खाब्या मुंबई, पति पत्नी के इस जोड़े ने स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यावरण, निर्माण आदि क्षेत्रों में अद्भुत कार्य किए हैं। भरत मोदी इंदौर,
संघर्ष कर अद्भुत सफलता पाई और सामाजिक शैक्षणिक और परोपकार के क्षेत्र में अनेक कार्य कर रहे हैं। मंगल प्रभात लोढ़ा मुंबई, भारत की प्रसिद्ध और विशाल रियल एस्टेट कंपनी लोढ़ा ग्रुप के चेयरमैन और मालाबार हिल्स मुंबई के विधायक। गुलाब चंद कटारिया जयपुर, राजस्थान के भूतपूर्व गृह मंत्री और वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता जिन्होंने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। गजराज गंगवाल दिल्ली, श्री भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रसिद्ध उद्योगपति। योगेंद्र सेठी इंदौर, विश्व विख्यात पेंटर जिन्होंने अत्याधुनिक जैन पेंटिंग की परंपरा विकसित की। प्रदीप जैन आगरा, भारत के सर्वोच्च इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी PNC इंफ्राटेक के चेयरमैन जिन्होंने कई एयरपोर्ट और कई हाईवे निर्मित किए। कुलदीप राका जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव जिन्होंने समाज और प्रदेश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजीव जैन IAS दिल्ली, एडिशनल डायरेक्टर जनरल PR मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और कई मंत्रालय के प्रवक्ता। शैलेश लोढ़ा मुंबई, तारक मेहता का उल्टा चश्मा एवं अन्य धारावाहिकों में मुख्य भूमिका निभाने वाले देश के प्रख्यात कवि। विनोद जैन बिलासपुर, छत्तीसगढ़ देश के सर्वोच्च कोला उद्योगपति, साथ ही साथ इनके नेतृत्व में डेंटल कॉलेज एवं कई संस्थानें भी चल रही हैं। विभु बेनाड़ा आगरा, ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने वाली देश की प्रसिद्ध कंपनी बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड के MD। दिनेश कुमार जैन दिल्ली, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र और लोकपाल के सदस्य। विनोद जैन रायपुर, प्रसिद्ध उद्योगपति के साथ ही साथ जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। DK जैन बिलासपुर छत्तीसगढ़, एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स, एक ईमानदार पदाधिकारी के रूप में समाज और धर्म के लिए अनेक कार्य किए हैं। अतुल सेठी इंदौर, हृदय रोग में काम आने वाले एशिया के एकमात्र पेसमेकर निर्माता। सतीश आर शाह मुंबई, हीरा आभूषणों में भारत के सबसे बड़े और सर्वोच्च निर्यातक। निर्मल मोठिया, भारत में चांदी के आभूषण बनाने वाली प्रसिद्ध कंपनी जैन पायल के चेयरमैन। महावीर सिंह VIFS दिल्ली, ज्वाइंट सेक्रेटरी आतंकवाद विरोधी विभाग, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार। डॉक्टर कुमार चटर्जी मुंबई, विश्व विख्यात जैन भजन गायक। इस पति पत्नी के जोड़े ने कई साल पूर्व जैन धर्म को अपना लिया। सुरभि पांड्या न्यूयॉर्क, इंदौर की बेटी जिन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से विश्व में अपना स्थान बनाया। देशना जैन टीकमगढ़, जन्म से मुख बधिर पर अपने हौसले से मिस डेफ एशिया बनी। अगर आप भी किसी ऐसे जैन व्यक्तित्व को जानते हैं जो IAS, IPS, IRS आदि जैसे उच्च सरकारी पदों पर हैं, या डॉक्टर, वैज्ञानिक, न्याय, शिक्षा, कॉर्पोरेट, उद्योग व्यवसाय, राजनीति, खेल, गायन, अभिनय, फिल्म आदि कला क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, तो आप हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाकर जैन रत्न सीजन 2 सीरीज के द्वारा पारस TV पर प्रसारित करेगी। हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन 9331722031 और सबिता जैन 9038348983 पर। वह जिंदगी जिसने मात्र 10 साल में जहां 350 TV एपिसोड्स का निर्माण किया, वही 1000 शॉर्ट फिल्म बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वह जिंदगी कई तरह के TV शोज लेकर आता है, जिसमें प्रमुख है मंदिर दर्शन, जिसके द्वारा करीब 300 जैन मंदिरों के दर्शन आपने घर बैठे किए हैं। एक दिन गुरुदेव के साथ इस शो के द्वारा आप सुनते और देखते हैं जैन साधु संतों की कहानी उन्हीं की जुबानी। संरक्षण, इस कार्यक्रम में जिन क्षण होते जैन मंदिर एवं धरोहरों पर फिल्म बना के दिखाई जाती है, जिससे उन्हें संरक्षण मिल सके। आत्मकथा, इसमें हम देखते हैं उनकी आत्मकथा जिन्होंने संघर्ष और मेहनत कर अपनी जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न, इस अनूठे TV शो के द्वारा देश विदेश की जैन प्रतिभाओं से आपका परिचय कराया जाता है। इसके अलावा वह जिंदगी कई सामाजिक संस्थाओं पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कॉरपोरेट फिल्म आदि का भी निर्माण करता है। अगर आप इन विषयों पर फिल्म बनाकर
पारस टीवी के माध्यम से लाखों दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन 9331722031, सविता जैन 9038348983। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मंदिरों के दर्शन करते हैं। आगरा के कचौड़ा बाजार फिल्म के पुण्यार्जक हैं श्री निर्मल जी, श्री वीरेंद्र जी मोठिया, जैन पायल आगरा। अब वह जिंदगी आपको लेकर आया है आगरा के एक और दिगंबर जैन मंदिर जो कचौड़ा बाजार में स्थित है। ताज नगरी आगरा की अनेकों जैन मंदिरों को दर्शन के बाद अब वह जिंदगी की टीम पहुंची है आप सबको घर बैठे मंदिर दर्शन कराने आगरा में ही स्थित कचौड़ा बाजार बेलनगंज में। यहां मैं आपको दर्शन कराने जा रही हूँ श्री दिगंबर पार्श्वनाथ मंदिर के। तो चलिए दर्शन करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। सफेद और गुलाबी रंग से रंगा यह मंदिर काफी प्राचीन है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही मंदिर की भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये मंदिर काफी प्राचीन है और यहाँ पे काफी लोग आते हैं तो बड़ी धूमधाम से हर वर्ष यहाँ पे दस लक्षण जी भी मनाया जाता है। यहाँ दो बार चतुर्मास भी हो चुके हैं। दो तीन साल पहले तो चैत्य सागर जी महाराज का हुआ, उससे पहले नंगमती माता जी का हुआ जो बहुत ठाट से यहाँ मनाया गया। मंदिर में विराजित भगवान का आकर्षण ही है जिसकी वजह से भक्त दूर दराज से इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर में मूल नायक प्रतिमा कौन सी है, कुल कितनी प्रतिमाएं हैं? इस मंदिर में मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान जी हैं और प्रतिमाएं 31 हैं। इस मंदिर में 6 वेदियां हैं और 7वीं पंचमेरु की है वेदी है। इस मंदिर से करीब 60 परिवार जुड़े हैं जो पार्श्वनाथ जी की कृपा से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। इस मंदिर से कुल कितने जैन परिवार जुड़े हुए हैं? इस मंदिर से लगभग 60 के करीबन परिवार जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जगह जगह से तीर्थयात्री यहां आते हैं और इसकी मान्यता इतनी है कि यहां दर्शन करके ही जाते हैं। इस मंदिर द्वारा एक समूह का भी गठन किया गया है जो महिलाओं द्वारा संचालित है, जिसके द्वारा महिलाएं सामाजिक एवं धार्मिक कामों को करती हैं। नंगमती माता जी की प्रेरणा से विशेषकर हम लोगों का एक समूह बना जिसका नाम था विमल सागर मैत्री समूह, जो अभी तक चल रहा है, जो हम हर महीने नवोकार मंत्र और भक्तामर का यहाँ पाठ करते हैं सब महिलाएं मिलके। तो जब भी जैसा ज़रूरत पड़ता है, जैसे मुनि महाराज आते हैं तो उनका चतुर्मास यहाँ कराना या आहार की व्यवस्था कराना, ये सब हम बहुत ठाट से करते हैं। अभी जैसे कोरोना रहा तो हम लोगों की तरफ से गरीब महिलाओं को जिनका कोई अर्निंग नहीं हो रही थी, जिनको महीने का खर्चा चलाने की मुसीबत थी, उन लोगों को हमने राशन पानी का इंतजाम, दवाइयों का इंतजाम, ये सब करवाया। मंदिर से जुड़ी कई विशेषताएं ऐसी हैं जो भक्तों को इस मंदिर के दर्शन करने पर बाध्य करती हैं। इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं? इस मंदिर में मुनि सुव्रत भगवान की बहुत प्राचीन प्रतिमा है जिसकी काफ़ी मान्यता है और यहाँ पे उस प्रतिमा जी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और बाकी अनंत चौदस पे भी आप देखेंगे तो इस मंदिर में काफ़ी बाहर की शैलियों के भी दर्शनार्थी काफ़ी आते हैं दर्शन करने के लिए इस मंदिर में। समाज द्वारा श्री दिगंबर जैन होम्योपैथी औषधालय भी संचालित है जिसका लाभ आसपास के लोग उठा रहे हैं। बाहर से आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए मंदिर द्वारा एक धर्मशाला का भी निर्माण किया गया है। आइए
इस प्राचीन मंदिर की भव्यता और इसके आकर्षण के साक्षी बनकर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। मुरादाबाद के लोहागढ़ मंदिर के फिल्म के पुण्यार्जक हैं श्री अनिल जी जैन, अध्यक्ष जैन समाज मुरादाबाद। आज मंदिर दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत आप दर्शन करेंगे मुरादाबाद के लोहागढ़ स्थित 200 साल पुराने प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर का। जय जीनेन, मैं सविता जैन आप सबका स्वागत करती हूँ वहाँ जिंदगी का अद्भुत कार्यक्रम मंदिर दर्शन में। मुझे सौभाग्य मिला हजारों किलोमीटर दूर से भी घर बैठे आप सबको दर्शन कराने का, और इसी सिलसिले में मैं पहुंच चुकी हूं उत्तर प्रदेश के पीतल के बर्तनों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध मुरादाबाद में, और मैं आपको दर्शन कराने जा रही हूं लोहागढ़ के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर बड़ा जैन मंदिर। तो चलिए दर्शन करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व यहाँ पर लोहे का व्यापार हुआ करता था, इसीलिए इस जगह का नाम लोहागढ़ पड़ गया। मैं आज इस मंदिर में आई, मंदिर का दर्शन की मन को बहुत शांति मिली। आप इस मंदिर का इतिहास बताइए। ये मंदिर इस एरिया का, इस कमिश्नरी का सबसे पुराना मंदिर है। लाला गीता लाल जी स्वर्गीय बाबू प्यारे लाल के पिता निवासी बीजना ग्राम का एक मकान मोहल्ला लोहगढ़ में था, जिसमें छत के ऊपर एक कोठरी में पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा थी, विराजमान थी। सच्चे और सरल विकृति के व्यक्ति, उन्होंने प्रार्थना की गई भी अपना मकान मंदिर को दे दें। उन्होंने समाज को प्रार्थना स्वीकार की और अपना उक्त मकान मंदिर निर्माण दान स्वरूप दे दिया। समाज के चंदे के द्वारा धन एकत्र करके मंदिर का निर्माण किया, जो आज विशाल रूप में नगर के मध्य में हमारे सामने है। 17 जनवरी 1970 में यहाँ बेदी बिरता समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हमारी चीमा वाक रह गई। मंदिर इतना खूबसूरत था कि हम देखते ही रह गए। प्रारंभ में इस मंदिर में श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा थी, इसलिए इस मंदिर को श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के नाम से ख्याति प्राप्त है। मूल वेदी पर विराजित चंद्र प्रभु की प्रतिमा के मुखमंडल पर इतना तेज था कि हम उनके दर्शन कर खुद को धन्य समझ रहे थे। इस मंदिर में मूल नायक प्रतिमा कौन सी है और कुल कितने प्रतिमाएं हैं? इस मंदिर में कुल 19 प्रतिमाएं हैं और मूल नायक प्रतिमा चंद्र प्रभु भगवान की है और 3 वेदियां हैं। इस मंदिर के अतिशय के बारे में आप बताइए। यहाँ पर हमारे मूल नायक चंद्र प्रभु भगवान विराजमान है, जिनका इतना अतिशय है कि अगर जो भी कुछ मांगते हैं उन चंद्र प्रभु भगवान से तो हमें मिल जाता है तुरंत। शहरों के बीचों बीच इस मंदिर के होने से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। क्या पुरुष क्या महिलाएं, सभी भक्त भगवान को रिझाने के लिए गायन व नृत्य करते दिखे। मंदिर में हमें भारी मात्रा में महिलाएं भी धर्म के प्रति समर्पित दिखी। वही मंदिर में समय समय पर महिलाओं द्वारा सामाजिक कार्यक्रम भी संपन्न होते हैं। महिलाओं का इस मंदिर में क्या योगदान है? जब कभी भी कहो आपकी मंदिर में धार्मिक आयोजन है तो हमेशा बाहरी भीड़ में यहाँ आती हैं और पूजा करती हैं, उनके बच्चे भी प्रतिभाग लेते हैं। आप सब महिलाएं इस मंदिर में धर्म के साथ साथ क्या अन्य कार्य भी करते हैं? यहाँ पे एक महिला जैन समाज के द्वारा एक औषधालय संचालित किया जा रहा है, एक गौ सेवा केंद्र हम चला रहे हैं, और भी जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं, कोई मतलब नीडी होता है, किसी गरीब लड़की की शादी में विवाह में किसी में आवश्यकता होती है, तो पूरा यहाँ का महिला जैन समाज और पुरुष जैन समाज भी सब लोग सहयोग करके और हम लोग हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आसपास के एरिया में इतनी बड़ी कार्यकारिणी महिला जैन समाज नहीं मिलेगी, जहाँ से इतने सारे कार्य होते हैं, ना केवल मंदिर जी के अपितु यहाँ जितने भी सेवा कार्य भी जैन सेवा मंच के द्वारा यहाँ पर किए जाते हैं, जिसके द्वारा हम बच्चों की फ़ीस या फिर कोई बीमार है या कोई एक्सीडेंटल केस हो या छोटे मोटे जितने भी जिस तरीके से हो सकते हैं वो सब कार्य हम महिला जैन समाज के द्वारा किए जाते हैं। बच्चों का इस मंदिर से कितना रुझान है? हमारे जैन पाठशाला चल रही है, जिसके अंतर्गत छोटी छोटी बच्चियाँ जिनको रमोकार मंत्र और 2401 के नाम यानी भक्तांबर स्त्रोत तक याद है, छोटी छोटी 6-7 साल तक की बच्चियां हैं, और उनको प्रोत्साहित करने के लिए मासिक सभा भी होती है। ये मंदिर हमारा अतिशयकारी बहुत सबसे पुराना मंदिर है, मुरादाबाद का सबसे विशाल अतिशयकारी मंदिर है पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर लोहागढ़। इस मंदिर से अनेकों अनेक परिवार जुड़े हैं।
इस मंदिर से कुल कितने जैन परिवार जुड़े हुए हैं? इस मंदिर से 500 परिवार जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से। अब पढ़ गए हों तो मेरे को नहीं पता, लेकिन 500-550 परिवार जुड़े हुए हैं। मंदिर में काफी सुसज्जित तरीके से धार्मिक पुस्तकों का संग्रहालय भी देखने को मिला। मंदिर द्वारा निशुल्क होम्योपैथिक औषधालय भी संचालित है, जिसका लाभ सभी धर्म के लोग उठा रहे हैं। समाज द्वारा हमारी टीम का आभार भी प्रकट किया गया, जिससे हमें काफी खुशी महसूस हुई। मुरादाबाद के लोहागढ़ स्थित दिगंबर जैन मंदिर के दर्शन कर हमने तो धर्म लाभ अर्जित कर लिया। अब बारी है आपकी, यहाँ आने का कार्यक्रम बनाइए और प्रभु के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। इंदौर के समसरण मंदिर के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन उदासीन श्राविका आश्रम ट्रस्ट कंचन बाग इंदौर। अब वह जिंदगी मंदिर दर्शन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको लिए जा रहा है मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर। 1968 में निर्माण किया गया है अलौकिक श्री दिगंबर जैन 1008 समोसरण मंदिर का। आप सब लगातार मेरे साथ भारत के छोटे बड़े शहरों के घर बैठे दिगंबर जैन मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, और इसी सिलसिले में अब मैं आप सबको दर्शन कराने जा रही हूँ भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर स्थित इंदौर में। और इस वक्त मैं खड़ी हूँ इंदौर के कंचन बाग श्री दिगंबर जैन समोसरण मंदिर में। ये मंदिर बहुत ही भव्य है, चलिए मेरे साथ दर्शन करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। मंदिर का प्रांगण इतना विशाल था कि हमारी नजरें टिक सी गई। इसी प्रांगण में हमें मान स्तंभ की भी रचना देखने को मिली। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही सर्वप्रथम हमने 3 खड़गासन प्रतिमा, बाहुबली स्वामी, आदिनाथ स्वामी और महावीर स्वामी के दर्शन किए। ये मंदिर काफी प्राचीन है और शिल्पकारी का अनूठा नमूना है। इस मंदिर का इतिहास बताइए। सर सेठ हुकमचंद जी साहब ने सन 21 में ये जेंट्स के लिए एक यहाँ पे वो बनाया 100 साल पहले उदासीन आश्रम। सेठ कल्याणमल जी की धर्मपत्नी प्यार कुमार भाई जी, गुलाब भाई जी और आनंद भवन वाले माँ साहब छोगालाल जी सेठी की धर्मपत्नी चंदा भाई जी, इन सबने महिलाओं के लिए ये आश्रम यहाँ बनाया गया। यहाँ मानुबाई जी थी एक अधिष्ठात्री प्रमुख, उनके मन में ये आया कि यहाँ समोसरण मंदिर बनना चाहिए, और ये सन 1968 में ये मंदिर बना। मंदिर के अंदर हमें समोसरण की भी रचना देखने को मिली। मंदिर में मूल नायक प्रतिमा भगवान शांतिनाथ की है, जो समोसरण पर स्थापित की गई है। मंदिर में हमें नंदीश्वर दीप की रचना दिखी, जो अद्भुत और अलौकिक है। ऊपर के तल पर हमें पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। मंदिर में भक्तों का रुझान इतना है कि वो रोजाना नित नियम से दर्शन करने आते हैं। आप सब महिलाओं का इस मंदिर में क्या योगदान है? हम विभिन्न कार्यक्रम साल भर में देते रहते हैं, पर्युषण में भी 10 दिन के पूरे कार्यक्रम होते हैं, और बाकी तो यहाँ क्लासेस चलती है। हम सब जो जरूरतमंद समाज के अंदर महिलाएं हैं उनको हम हेल्प करते हैं, शिक्षा चिकित्सा जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनको भी हम चिकित्सा सुविधाएं देते हैं। आप इस मंदिर से कब से जुड़े हैं? जब से ये मंदिर बना जब से ही जुड़े हुए हैं इस मंदिर, 50 साल तो हो गए इस मंदिर को बने हुए। कई जैन परिवार इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। इस मंदिर से कुल कितने जैन परिवार जुड़े हुए हैं? करीब करीब 500 और उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। बाहर से भी सब आते हैं दर्शन करने? हाँ, काफी लोग आते हैं। मंदिर द्वारा कई संस्थाएं भी संचालित हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में कार्य करती हैं। इस मंदिर से
क्या क्या ट्रस्ट या क्या क्या संस्थाएं चलती हैं यहाँ पे? एक तो बहनें से अध्ययनरत रहती है, शिक्षा प्राप्त करती है, और दूसरा यहाँ पे औषधालय चलता है। सो अपना हम छोटे बच्चों को क्या नाम इसका स्कॉलरशिप भी देते हैं। आपका इस मंदिर में क्या योगदान है? यहाँ श्रावी का आश्रम चलता है, वो अपना स्व का और पर का कल्याण करना चाहती, ऐसी 45-50 बहनें रहती हैं या श्राविकाएं, उनके पूरा व्यवस्था करता हूँ। इस मंदिर से संलग्न एक उदासीन आश्रम भी संचालित है। ये उदासीन आश्रम क्या है? यहाँ पर करीब करीब 50 ब्रह्मचारिणी दीदियाँ यहाँ पर रहती हैं। यहाँ तक कि आचार्य श्री विद्यासागर जी की दो बहनें भी यहीं पर ही विराजमान हैं, और उनका बहुत अच्छे रूप से सब कार्यक्रम यहाँ पर होता है। मंदिर को और भव्य बनाने के लिए समाज द्वारा कई योजनाएं भी प्रस्तावित हैं। हमने अभी विचार किया है कि ऊपर एक रत्नों का समय शिखर जी बनावें, और हम चाहते हैं कि वो ऐसा बने कि भारत के ही नहीं वर्ल्ड के लोग भी आकर और इसको देखना पसंद करेंगे। मंदिर द्वारा एक औषधालय भी संचालित है। मंदिर में एक विशाल प्रवचन हॉल भी है, जहां पर पंडित रतनलाल जी जैन धर्म पर ज्ञानोपदेश देते नजर आए। यहां पे जितने आचार्य गुरुदेव आते हैं वो सब आपके साथ धर्म चर्चा करते हैं। आपको ये प्रेरणा, इतनी श्रद्धा कैसे जगी धर्म के प्रति? जो जैनाचार्य आचार्य भगवंतों ने जिन शास्त्रों की रचना करी, उन शास्त्रों का हमने भी गुरुओं के सानिध्य में अध्ययन किया है, पठन किया है, और हम उसी बात को उनको समझाते हैं कि भाई ये कल्याण का मार्ग है। तो देखा आपने 1008 समोशरण मंदिर की खूबसूरती और इसमें विराजित समोशरण को। अब यहाँ आने का कार्यक्रम बनाइए और स्वयं दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। तो दोस्तों, हमने आज के इस एपिसोड में मंदिर दर्शन किए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। हमें दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, हमारा आज का ये एपिसोड यहीं तक। मंदिर दर्शन के इस कार्यक्रम को हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। हमारी मुलाकात अब फिर से होगी वह जिंदगी के अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, भगवान की आराधना में लीन रहिएगा। जय जिनेंद्र, नमस्कार।